हमारी आज की रेसिपी है स्टफ्ड मशरूम्स विद श्रिम्प्स। ये विनिंग रेसिपी है डॉक्टर ज्योत्सना देशमुख की। तो चलिए बनाते हैं स्टफ्ड मशरूम्स विद श्रिम्प्स। इसके लिए हमें चाहिए बटन मशरूम्स, साफ किए हुए प्रॉन्स, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरा प्याज, उबल के मैश किए हुए आलू, बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स, अंडा, तलने के लिए तेल और नमक, बटर। तो सबसे पहले एक पैन गरम कर लीजिए और उसमें हम ले लेते हैं बटर और बटर को अच्छी तरह से पिघलने दीजिए। तो इस बटर में हम डालेंगे लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, इसे अच्छी तरह से सौटे कर लीजिए। तो अब ये प्याज और लहसुन भून चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये प्रॉन्स और एकदम हाई हीट पे इसे पकाना है हमें और इसमें अब हम डाल लेते हैं हरा प्याज, थोड़ा सा नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सारे चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब ये बनने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब ये प्रॉन के मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। अब ये प्रॉन मिक्सर में हम उबला हुआ आलू मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्सचर को हमें मशरूम के अंदर स्टफ करना है, तो ये आप ले लीजिए इस तरह से और इसमें ऐसे स्टफ कर लीजिए। तो स्टफ किया हुआ मशरूम को अंडे में डिप करेंगे इस तरह से। अंडे में इस तरह से डिप करके ब्रेड क्रम में हम इसे कोट कर लेंगे, पर ये कोटिंग हमें दो बार करनी होगी। तो ब्रेड क्रम में से निकाल के इसे फिर एक बार अंडे में डाल दीजिए। अंडे में एक बार वापस कोट करके इसे ब्रेड क्रम में फैला दीजिए। तो इस तरह से हम बाकी सारे मशरूम्स भी स्टफ कर लेते हैं। अब ये गरम तेल में हम इसे छोड़ देते हैं। सारे मशरूम्स को एक साथ अगर गरम तेल में डाल दोगे तो टेम्परेचर ठीक रहेगा। और इसके बाद इसे बस इस तरह से बस घुमाते जाइए ताकि कलरिंग जो है बिल्कुल इवन हो जाएगी। और एक बार बीच में इस तरह से इनको पलट दीजिए। ये अब होने के बाद इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। एक प्लेट में ये बने हुए स्टफ्ड मशरूम्स हम रख लेते हैं। तो ये है हमारे श्रिम्प स्टफ्ड मशरूम। इसे गरम गरम सर्व कीजिए।